मंत्रिमंडल का रिश्वत भी हो जाएगा, आप लंबे समय से सरकार में होती थे, क्या मेरे तो रायसेन जिले के चुनाव को लेकर विशेष रूप से बात हुई। और जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, स्वाभाविक रूप से लंबा इंतजार है और बहुत जल्दी मंत्रिमंडल बनने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रयास है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल बने। क्या संकेत मिले हैं आपको? संकेत तो चुनाव को लेकर पूरी चर्चा हुई कि किस तरह से चुनाव लड़ना है। स्वाभाविक रूप से रायसेन हमारा एक ऐसा जिला है जहाँ पर डॉक्टर शेजवाल जी काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। उस विषय को लेकर बात हुई, पूरे प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बात। देखिए वो बहुत बड़े हमारे पार्टी के स्तंभ है शेजवाल जी, और सब लोग मिल के हम लोग काम करें। शेजवाल जी को लेकर क्या बात है, मतलब कि क्या जब उनकी स्वाभाविक रूप से मैं रायसेन जिले को नेतृत्व करता हूँ भोजपुर से, तो एक प्रकार से हमारी सबकी जवाबदारी बनती है कि रायसेन में जो हमारी सीट है सांची उसको जीता कर लाऊं। सर नाराजगी की सरकार प्रत्याशी तो वही होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया। स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी वही होंगे जिन्होंने इस्तीफा दिया। जब इस तरह का कोई परिदृश्य होता है, मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला बार परिदृश्य बना, और मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से नई सरकार बनी है, और सरकार बनने के बाद किसी भी तरह से हमको जनता की भलाई करना है और आने वाले समय में सारी उपचुनाव की सीटें जीतना है, और हम लोग सारे चुनाव शेजवाल जी की चिंता नहीं है, जिले का मामला है और जिले में स्वाभाविक रूप से मैं भी वहाँ का विधायक हूँ, तो चर्चा में ये सब निकल के आया कि भी जवाबदारी से हमको चुनाव देखिए। जब कोई भी चुनाव होते हैं और इस तरह का परिदृश्य होता है, तो स्वाभाविक रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें सामंजस्य बनाकर, क्योंकि आज वो सभी हमारे पार्टी में है और हम सब लोग एक स्तंभ के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित वाली पार्टी है, आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम सारे के सारे चुनाव। सर नाराज और जो नाराज कार्यकर्ता है, नाराज नेता है, उनको मनाने नाराज की कोई बात ही नहीं आई। जहाँ तक रायसेन जिले का सवाल है, कोई ऐसा विषय नहीं। शेजवाल जी की भूमिका क्या होगी? शेजवाल जी चुनाव लड़ेंगे और जिता के लेके आएंगे प्रोग्राम। लेकिन कांग्रेस उनके और बजट पे डोरे डाल रही है। देखिए कांग्रेस तो किस पे डोरे नहीं डालती, कांग्रेस किसी को नहीं छोड़ रही। तो जो आज के पहले की सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी और आज की जो सरकार थी उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर है। हिसाब से सर बताएंगे आज क्या नियम लागू हुआ? इससे जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन है उसमें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आम जनता को घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी हो तभी आदमी बाहर निकले, अन्यथा शाम को 7 बजे के बाद सभी अपने अपने घरों में रहें, ऐसा लॉकडाउन की गाइडलाइन में दिया गया है, उसी का पालन कराया जा रहा है। थैंक यू। मंडीदीप में एक थाना सतलापुर जो AKVN के सामने है, दूसरा थाना जो मंडीदीप इंदिरानगर HEG के सामने है, इन दोनों की सीमाएं निश्चित की गई हैं। लॉकडाउन की समय सीमा शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक निश्चित की है। आपको नियमानुसार घर के अंदर ही रहना है एवं नियमों का पालन करना है। यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो प्रशासन आप पर कार्रवाई कर सकती है। आइए मिलते हैं गोए साहब से। सर यहाँ पर आप कब से ड्यूटी कर रहे हैं? हम COVID-19 कोरोना महामारी को लेकर के चेक पॉइंट लगाया गया है तो जिले की सीमा पर, रायसेन जिले की सीमा है, भोपाल रायसेन को जोड़ती है, यहाँ से नागपुर जाने वाले वाहन, होशंगाबाद जाने वाले वाहन गुजरते हैं, तो भोपाल से और आने वाले वाहनों को रोक करके उनके पास देखा जाता है कि वैध पास है कि नहीं है। यदि अधिकृत पास है, व्यक्तियों के पास है, व्यक्ति अगर दिगर जिले से रायसेन जिले में एंटर होता है तो उन लोगों के पास में पास देखी जाती है, और पास होने के बाद मेडिकल नहीं होता तो मेडिकल करा जाकर के अस्पताल भेजा जाता है उन्हें। अस्पताल भेजने के बाद जैसा डॉक्टर साहब आदेश करते हैं उस हिसाब से उनको होम क्वारंटाइन करना है या क्वारंटाइन सेंटर भेजना है, जैसा डॉक्टर साहब करते हैं वैसा किया जाता है। लगभग दिन में कितने लोग हो जाते हैं ऐसे?
यही कोई दिगर जिले से आने वाले 50 से 100 की गिनती अपन मान ले जो मंडी दीप में स्टे करते हैं, और मुख्य रूप से अब जो मंडी दीप में स्टे करते हैं या गौरगंज तहसील में आते हैं उन लोगों का हम रिकॉर्ड रखते हैं। आप जनता को कुछ कोरोना के समय शक्ति देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? आप जनता से हमारी यही अपील है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपील की है कि भाई सुरक्षित रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और बिना उचित कारण के घर से ना निकले। यदि निकलते हैं तो सावधानी के बिंदुओं का पालन करते हुए अपने मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैधानिक पास लेकर ही घर से बाहर निकले। जिस किसी के पास पास ना हो, जिनके पास पास नहीं रहता उन लोगों को हम समझाइश देके वापस भेज देते हैं। जो भोपाल की ओर से आ रहा है भोपाल वापस भेज देते हैं, बिना पास के उनको जिले में एंटर नहीं होते। लॉकडाउन की स्थिति कब तक बढ़ती जाएगी? अब इस संबंध में तो अभी तो फिलहाल की स्थिति में तो ये पूरा मई माह तक के अंतिम तक रहना है, उसके बाद जैसा सरकार का आदेश होगा पालन करेंगे।